मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक जो हम सभी टीचर्स ने मिलकर के, यूट्यूब वालों ने मिलकर के जो वीडियो बनाया था सरकार के खिलाफ में कि जल्दी से आप लोग वैकेंसी लाइए, जल्दी से जो वैकेंसी निकला हो उसका एग्जाम लीजिए, और उसका नतीजा आप लोगों ने हम लोग को पूरा साथ दिया और आप लोगों ने पूरे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पे धमाल मचा दिया और सरकार को झोड़ने पे मजबूर कर दिया। और यहाँ तक कि सरकार ने SSC का जो एग्जाम हो चुका था उसका रिजल्ट का डेट भी घोषित करेगी, 1 महीने बाद होगी। और सबसे बड़ी बात जो कि अभी के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही थी, वो बात कि रेलवे का एग्जाम कब होगी और उसका डेट दे दिया 15 दिसंबर से। और जो कि एग्जाम होगी, NTPC और ग्रुप डी का जो फॉर्म भरा हुआ है आप लोगों ने बिल्कुल भरा होगा, और जो स्टूडेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं वो आप लोग आसानी से ग्रुप डी या फिर NTPC ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप लोग डिपार्टमेंटल से लोको पायलट आराम से बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे ग्रुप डी NTPC हाउ टू क्रैक एग्जाम, आप लोग इस एग्जाम को कैसे आराम से क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल हम आपको सिखाएंगे कैसे ट्रेनिंग कैसे करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा बने रहे इस वीडियो में, और हम आपको बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितना सारा क्वेश्चन आएगा, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, आप लोग एग्जाम निकालने कितना नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा देखिएगा जरूर। देखिए ग्रुप डी NTPC हाउ टू क्रैक एग्जाम, आप लोग सबसे पहले बात क्या होती है, ये एग्जाम है चाहे कोई भी एग्जाम हो आप लोग उसके लिए प्रेशर ले लेते हैं। आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, प्रेशर लेने से क्या होती है, आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, आपको जो क्वेश्चन याद भी रहता है अच्छे से कंफर्म भी रहते हैं वो क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए उस तरह से कि एग्जाम निकालना ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, चाहे 50% नंबर लाने की है, 60% या फिर 70% नंबर लाने की है, आप उतना ही में खुश रहिए और उतना ही को अच्छा से बना दीजिए। और उससे इसके बाद क्या होगी, आपके कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगी, पॉजिटिव रहिएगा, तो आपको 5 से 10% एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। तो यही सब चीज़ के बारे में बात करेंगे इसमें, और हम लोग जानते हैं इसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी एग्जाम को कैसे पास करना है, कि ग्रुप डी में आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी। तो इसके लिए देख लीजिए, ग्रुप डी एग्जाम में इसका सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न जो है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए ग्रुप डी में इसको हम लोग लिखते हैं 90/100, इसका मतलब ये हुआ कि 90 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन का आपको बनाना है, 90 मिनट का समय होगा 100 क्वेश्चन बनाना है। और आपका टेस्ट जो होगा वो होगा CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे होगी। वो कहाँ पे होगी, कंप्यूटर पे। आपको एग्जाम जो है पेपर और पेन पे नहीं देना, कंप्यूटर पे देना है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये CBT में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना है और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। रफ करने के लिए अलग से पेपर मिलते हैं, आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 लगाना है, 7 नेक्स्ट, वो सब चीज़ हम आपको बाद में ट्रेनिंग करवा देंगे कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना है और बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा आपको CBT टेस्ट जो आपको देना है। इसमें जो कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आइए हम लोग देखते हैं कि वो सब चीज़ है क्या। फिर तो देखिए आपका जो सबसे टेस्ट है मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, और आपका GK एंड जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मैथ का जो क्वेश्चन पूछे जाएगा आपके एग्जाम में, उसकी जो संख्या है आपका 25, यानी कि 25 क्वेश्चन आपका मैथ में से आने वाला है। और ये है आपका साइंस, साइंस में से जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आएगा 25, और रीजनिंग में से क्वेश्चन आएगा वो आएगा 30, और करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस में से जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा 20, यानी कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे मैथ में से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रीजनिंग में से 30 नंबर का, साइंस में से 25 नंबर का। साइंस में देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तीनों मिला के आपका 25 नंबर क्वेश्चन आएगा। GA प्लस करंट अफेयर, GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरली इसमें हम लोग आर्ट पेपर जितने होते हैं उसको शामिल करते हैं। GA मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, गेम GK, बेसिक GK, यानी कि टोटल आपका 6 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएगा इसमें। GA इसमें आपको कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 सब्जेक्ट आ गया GA यानी कि जनरल अवेयरनेस में से। और करंट अफेयर्स का अलग ही टॉपिक है, जो कि इंडिया का करंट अफेयर्स और पूरे वर्ल्ड का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस,
यानी कि रियल लाइफ में जो चीज जैसे राजनीति से आएगा, कंट्री से आएगा, खेल खिलाड़ी से आएगा या जो भी चीज फेमस होती है उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा करंट अफेयर्स में। यानी ये रहा आपका एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न। आपको एग्जाम को पास करने के लिए कितना परसेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम 75 मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये 75 मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को इस तरह से तैयारी करनी है। तो तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, हम कराएंगे आपको तैयारी इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए हमने नोट्स भी बनाए, आप लोग उस नोट्स को भी ले सकते हैं। तो ये रहा आपका ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी एग्जाम को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम देना है ग्रुप डी में। बस एक एग्जाम को दिए, एग्जाम को आप लोग पास कर गए, इसके बाद आपका होगा पीई टेस्ट। पीई टी मतलब कि आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका उसमें दौड़ होगा, रनिंग होगा, वेट के साथ रनिंग होगा, ये चाहिए। तो आपका इसमें अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद आपका कुछ नहीं, उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको होता है मेडिकल, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रक्रिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम के बस कुछ नहीं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स और GA यानी सब कुछ, तो मैंने इसमें नाम ले लिया। ये सब चीज़ें इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने जाना है, 75+ नंबर आपको क्रैक लाना है, तो इस तरह से आपको ग्रुप डी आराम से निकल जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करिए, आप हमें फॉलो करिए, हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, तो आपको बिल्कुल आराम से निकल जाएगा ग्रुप डी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपके साथ हैं, एग्जाम तक आपके साथ हैं और आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अब NTPC एग्जाम के बारे में। NTPC में आपको नौकरी कैसे मिले, जिसमें कि आपको TCCC है यानी इंटरमीडिएट लेवल, क्लर्क लेवल, या फिर TC यानी TT का वैकेंसी है। इसके अलावा आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बहुत बड़ा पोस्ट जो है वो है आपका स्टेशन मास्टर का, इसके अलावा आपको है गुड्स गार्ड का, ये सब भी आपको NTPC से जाती है। NTPC के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में। NTPC इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एक होती है टेक्निकल कैटेगरी जिसमें कि लोको पायलट और टेक्नीशियन वगैरह ये सब आ जाते हैं JEE, और एक है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसमें कि आप लोगों को आ जाता है स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, TCCC, ये सब चीज़ें, TACA, ये सब। तो इस NTPC में आपका दो एग्जाम ले रहा है, इसमें आपका दो एग्जाम ले रहा है, CBT 1। इसको आप लोग प्रीलिम टेस्ट भी कर सकते हैं, कहाँ गया, इसको आप लोग प्रीलिम टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि PT, यानी कि CBT 1 जो है वो आपका PT हो गया, एक है आपका CBT 2, एक है आपका CBT 2। आप लोग देखिए CBT 1 और CBT 2, यानी कि आपको NTPC क्रैक करने के लिए आपको दो एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, CBT 1 और CBT 2। अब ये दोनों का एग्जाम सिलेबस और पैटर्न जान लेते हैं, दोनों को पास करने के कितना परसेंट नंबर चाहिए, कितना नंबर चाहिए ताकि आपका मेरिट बन जाए, आपका रिजल्ट आ जाए। तो इस तरह से, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि CBT 1 यानी कि NTPC का CBT 1। देखिए NTPC का CBT 1 और ग्रुप डी का CBT टेस्ट, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर है आइए जानते हैं। ग्रुप डी में जहाँ तक बात है, वहाँ पे आप लोगों को 4 सब्जेक्ट बना के बताया था। यहाँ पे देखिए ग्रुप डी में आपको क्या बोला था, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ये है 4 चीज आपको बताया था। जिसमें कि देखिए आपको बोला था कि मैथ में से 25 नंबर, रीजनिंग में से आपका 30 नंबर, साइंस में से आपका 25 नंबर और इसमें से आपका 20 नंबर। जबकि देखिए NTPC में आपका क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है मैथ, रीजनिंग और GA जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे देखिए मैथ में से 30 नंबर, रीजनिंग में से भी 30 नंबर और इसमें से देखिए 40 नंबर। रेलवे चाहता तो इसको इस रूप में भी लिख सकता था, लेकिन रेलवे ने NTPC के लिए इस तरह से लिखा। दोनों में क्या अंतर है आइए जानते हैं। ग्रुप डी में जो है ये साइंस का क्वेश्चन स्पेशल 25 पूछेगा, 25 क्वेश्चन जो है साइंस में से स्पेशली पूछ लेगा ग्रुप डी में। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं,
एनटीपीसी में जो है साइंस क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी ग्रुप डी के अपेक्षा। यहाँ पर ग्रुप डी का अलग ही सेक्शन बनाया गया, साइंस में से 25 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि एनटीपीसी में साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज्यादा कुछ भारी नहीं है। इसमें से आपको क्वेश्चन के लिए अलग से कोई नहीं बताया, सब्जेक्ट नहीं बताया। तो अब क्या है कि इसमें देखिए मैथ में से 30 क्वेश्चन पूछ लेगा, रीजनिंग में से 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया। इसका भी 90/100 यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस में से आपको 40 क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन जो है इसमें कितने सारे सब्जेक्ट है। सबसे पहले देखिए आर्ट पेपर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा आपका बेसिक जीके आएगा, उसका देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और गेम जीके, यानी ये 7 सब्जेक्ट, और कंप्यूटर भी ले लीजिए तो 8 सब्जेक्ट हो गया। और अब देखिए इसमें साइंस पेपर में क्या आया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी 3 7 10 यानी कि 10 सब्जेक्ट में से ये यहाँ क्वेश्चन पूछेगा 40। लेकिन इसमें जो है कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, जैसा कि पिछला एग्जाम जो 2016 हुआ था उसमें हमने देखा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसमें आपको साइंस में से कम यानी कि 10 क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 10 क्वेश्चन आ गया, 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में आ गया, बाद में क्वेश्चन आपका 20 आएगा यानी आर्ट पेपर में से। तो ये रहा दोनों का सिलेबस और पैटर्न। अब हम लोग जान लेते हैं एनटीपीसी का सीबीटी 2 टेस्ट के बारे में। देखिए एनटीपीसी के सीबीटी 2 टेस्ट की क्या है खास बात है, आइए जानते हैं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कोई बड़ा अंतर नहीं है, अंतर क्या है बस मार्क्स की, और कोई अंतर नहीं है मैथ, रीजनिंग और जीए। देखिए मैथ में से इसमें क्वेश्चन बोला है कि 35 पूछेंगे, रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछेगा 35, और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस में से क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा 70 नंबर। अब देखिए टोटल क्वेश्चन पूछ दिया 120। लेकिन एक चीज और है, ये जो सीबीटी 2 टेस्ट है, एनटीपीसी सीबीटी 2 टेस्ट जो है वो सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 1 से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वो कैसे, देखिए उसमें क्या था 90/100 था, सीबीटी 1 में क्या था 90/100, यहाँ पे हम लोग 90 मतलब टाइम और 100 मार्क्स, 90 मिनट में 100 मार्क्स आपको बनाना था। लेकिन यहाँ पे जो है ये भी है 90/120, ये देखिए 90/100, यहाँ पे देखिए 90 में मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, यानी कि आपको समय एक मिनट भी नहीं बढ़ाया और 20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो अब लेकिन अब देखिए आपका 10 नंबर तो मतलब मैथ रीजनिंग में से ही बढ़ गया, और यहाँ पे तो इसको इस एग्जाम को पास करने के लिए सारा चीज़ हमारे पास है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, हम आप लोगों को बताने के लिए आए थे सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जो सिलेबस और पैटर्न क्या सब रहने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए मैथ में से 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर में से चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे प्रत्येक चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग में भी 30-31 चैप्टर है उसमें से पूछेगा, जीए में से इतना। इसको पास करने के लिए बस कितना नंबर चाहिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए रेलवे का आपके पास 75% नंबर होना चाहिए, आपके पास 75% नंबर होना चाहिए। अब आप लोग बोलिएगा हमें कि यार पिछले एग्जाम में जो था 50 पे भी हो गया, 40 पे भी हो गया, 60 पे भी हो गया, तो इस बार भी इतना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पिछले बार की तुलना से इस बार जो आपका कॉम्पिटिशन जो है वो कम से कम 5 गुना एक्स्ट्रा बढ़ गई है। तो आपको जो रिजल्ट है वो आप अच्छा से अच्छा नंबर लाइएगा ताकि आपकी ज्वाइनिंग पहले मिल जाए, आपको अच्छा सीट मिल जाए, अच्छा मतलब बोर्ड मिल जाए, अच्छे स्टेशन मिल जाए, अच्छी जगह पे आपको पोस्टिंग हो पाए और पहले हो पाए आपको अच्छा पोस्ट मिले। इसलिए हम आपको बोलते हैं कम से कम आपको 75% नंबर आपको चाहिए। अब देखिए ये दोनों एग्जाम को कैसे आपको क्रैक करनी है, हाउ टू क्रैक, इसको कैसे क्रैक करनी है इस एग्जाम को। सबसे पहले हमको एग्जाम भी तो पास करना है, एग्जाम भी तो पास करना है। इसमें क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस जीके करंट में जो भी सब्जेक्ट है, हमारे पास अभी 3 महीने से ज्यादा का समय है। इसमें इस 3 महीने में इतने सारे चीज को कवर मतलब कवर करनी है। तो इसमें हमको 75% मतलब कि नंबर चाहिए 75% से एक्स्ट्रा। पहले ही हमने आपको टारगेट दिया, पहले ही हमने आपको कट ऑफ मार्क बता दिया, 75% से आपको एक्स्ट्रा नंबर आपको लानी है। तो आपको इस तरह से आप एग्जाम पास करना है, 75% नंबर चाहिए अभी आपकी चाहिए जितनी भी तैयारी हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तैयारी तो आपको करनी है, तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपको पॉजिटिव
आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, और ये सब चीजें हम आपको देंगे, हम आपको तैयारी करवाएंगे, पॉजिटिव आपको रखेंगे, आपके पास आपके मन में ये उमंग होगा पढ़ने का, और आपके मन में ये विश्वास होगा यार हमने इतना सारा चीज पढ़ लिया है, रिजल्ट तो हमको लेकर ही आना है, रिजल्ट तो लेके ही आ जाएंगे। तो आपका मन में पॉजिटिव थिंकिंग आ गई, मन में कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोई क्वेश्चन अगर आपके नहीं बनता है ना, तब भी आपको ये सोचना है कि ये हमसे बन जाएगा, लेकिन अब क्या है ना कि लेकिन जैसे आप सोचते हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं बनेगा, तो अगर वो बनने वाला भी क्वेश्चन हुआ तो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, भले क्वेश्चन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, 100 में से 10 क्वेश्चन नहीं आए क्या दिक्कत है, हमको 90 क्वेश्चन तो आ रहा है ना, हमको 75 नंबर ही चाहिए, 15 नंबर फिर भी आपके पास में है, यानी आपको 10 गलती करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। इसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन बनाना शुरू करता है, पहले नंबर सबके सब माइंड में निगेटिव रहते हैं, सबके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि 76 mm पारे का जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, और इसके इतना प्रेशर में वो जो 90/100 और 90/120 है इस टाइम के अंदर पूरा क्वेश्चन को बना ही नहीं पाता। तो इससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन को छोड़ देता है, आसान क्वेश्चन को, उसको अगर 10 मिनट का समय मिल जाता तो बना सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए उसके पास टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है ही नहीं, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप लोग 90 मिनट के अंदर में 100 क्वेश्चन को 3 बार पूरा रिपीट कर कैसे बना सकते हैं, वो भी कंप्यूटर पे इतना फास्ट हम आपको बना देंगे। और चाहे वो मतलब चाहे 100 क्वेश्चन बनाना हो या फिर चाहे 120 क्वेश्चन बनाना हो, हम जो है 16 से एग्जाम को मतलब तैयारी करवा रहे हैं। पिछले एग्जाम में लोग को पायलट RPF ग्रुप डी एग्जाम सारे में हमने स्टूडेंट को पास करवाया है, हमने इसके लिए एक कोर्स बनाई है, देखिए वो है मास्टर नोट्स। देखिए मास्टर नोट्स हमने ग्रुप डी रेलवे के सभी एग्जाम में सिलेबस जब सेम ही है, सब्जेक्ट जब सेम है, भले क्वेश्चन कम पूछे या ज्यादा पूछे, मास्टर नोट्स में से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में है हमारे मास्टर नोट्स में से 90% तक क्वेश्चन जो है एग्जाम में टैली करते हैं, यानी कि आपको हमारे मास्टर नोट्स में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो 90% तक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में टैली करता है, और आपको बस यही मास्टर नोट्स को पढ़ना है। इस मास्टर नोट्स को पढ़ने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा या फिर नया टॉपिक को सीखने के लिए वीडियो कोचिंग है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग का ये एप्लीकेशन है, हम आपको ये एप्लीकेशन देंगे और हम आपके घर पे ये मास्टर नोट्स को भेजेंगे, इन दोनों को मदद से आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयारी कर पाएगा। इसको लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वैसे मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 8406891116 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपको इसको लेने का प्रोसेस पता चल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमारे नॉलेज का पूरा फायदा उठाइए, और आप लोग इस एग्जाम को बिल्कुल एक बार में क्रैक कर जाइए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बन ही जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारा अगले वीडियो का वेट करिए। हम पूरा का पूरा इस YouTube पे ही जितने भी क्लासेस हमारे मास्टर नोट्स का, जितने भी वीडियो कोचिंग का है, मतलब वीडियो बना करके आप लोग को बिल्कुल फ्री में इस YouTube पे भी अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन पे भी आएगी, और मास्टर नोट्स तो आपको लेना ही होगा, तो आप एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट हो एग्जाम को लेकर के, या फिर मेडिकल टेस्ट को लेकर के, आपके सर्टिफिकेट को लेकर के, किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट बता सकते हैं, फिर हमसे जहाँ तक हो सके हम आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, आपके मन में वो भावना नहीं रहेगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।